हेलो दोस्तों, मैं नदी मंजू मल्टीक्राफ्ट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का ट्रेड थ्योरी में वाइस टॉपिक चल रहा था, वाइस टॉपिक में जो है हम लोग ने क्या क्या कवर किया था, सबसे पहला किया था बेंच वाइस, ठीक है। उसके बाद हमने किया था मशीन वाइस। आज जो है पूरा फोकस रहेगा हमारा पाइप वाइस के ऊपर, जो कि बेंच वाइस और मशीन वाइस के अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए डीपली में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम पाइप वाइस का बात करें, पाइप वाइस क्यों आया, जब मेरे पास बेंच वाइस है ही है, मशीन वाइस है ही है, वाइस मेरा बेंच वाइस तो है ही है, तो हम फिर पाइप वाइस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने कभी वर्क किया होगा तो आइडिया होगा कि बेंच वाइस में जो है हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर टाइप का जो जॉब होता है उसको हम लोग वहाँ पर क्लैंप अच्छे से करके उसमें वर्क करते हैं, ठीक है ना। उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहता है, स्क्वायर टाइप का जॉब है तो पकड़ अच्छा बना लेता है। लेकिन जहाँ पर अगर हम बात करें रॉडनेस वाली जॉब की, गोलाकार जॉब जहाँ होगा, पाइप होगा, तो हम अगर बेंच वाइज में उसको क्लैंप करते हैं और उसके ऊपर अगर हम कोई वर्क करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो क्या है, रॉडनेस शेप में है, और मेरा जो वाइस का जो प्लेट है, जो जॉब है, वो मेरा क्या है, जॉब प्लेट रेक्टेंगल शेप पे है, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, उसको ग्रिपिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा। ग्रिपिंग अच्छे से पकड़ तो लेगा, लेकिन जैसे ही उसमें हम फोर्स लगाएंगे कुछ वर्क करने के लिए, तो वो स्लिप कर जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा, बेंच वाइस में जो है आपका रॉडनेस वाला जॉब को उसमें ऑपरेशन में नहीं लाइएगा, ठीक है। तो बेंच वाइस मशीन वाइस का अपना अपना जो है यूज़ है। आज जो हम बताएंगे आपको पाइप वाइस, तो पाइप वाइस का जहाँ पर बात आता है तो पाइप कैसा होता है, रॉडनेस होता है। तो रॉडनेस टाइप का जॉब को जो है हम लोग यहाँ पर क्लैंप करके आसानी से वर्क कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रिपिंग अच्छा से हो जाता है। कैसे होता है अच्छा से ग्रिपिंग, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है पाइप वाइस का, और थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा है, और कौन कौन सा मटेरियल का बना रहता है ये भी मैंने आपको, ये भी यहाँ पर लिखा है आपको डिस्कस करने के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ बातें जो है आपको जो बताई जाएगी यार, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर चिन्हित करूँगा, या कुछ टॉपिक यहाँ पर आपको बताऊँगा, रिमाइंड करूँगा, जो कि एग्ज़ाम में आ रहा भी है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पाइप वाइस, ठीक है ना। पाइप वाइस होता क्या है? तो दोस्तों, पाइप वाइस जो है यहाँ पर मैंने डिफिनेशन थोड़ा सा लिखा है आप लोग के सहूलियत के लिए, आप लोग चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। तो अगर हम पाइप वाइस का बात करें तो पाइप वाइस क्या है, यह वाइस, पाइप वाइस क्या है, यह वाइस पाइप या गोलाकार जॉब को पकड़ने के काम आती है, ठीक है ना। गोलाकार अगर जॉब है मेरे पास, पाइप है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ने के काम में आता है, आसानी से उसको हम लोग क्लैंप करके उस पर वर्क कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इस वाइस के जॉब, इसका जो इस वाइस में, वाइस जहाँ भी आ रहा तो वहाँ पर जॉब होगा ही होगा। इसमें भी दो जॉब है, एक फिक्स जॉब है, एक मूवेबल जॉब है। तो दोनों जॉब में जो है क्या होता है, भी से बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है, भी से। भी आप लोग अल्फ़ाबेट अच्छा जानते होंगे, अल्फ़ाबेट भी कैसा लिखा रहता है, उसी के हिसाब से जो है मेरा दोनों जॉब में बना हुआ रहता है, ठीक है ना। दोनों के अपोजिट में बना हुआ रहता है, ठीक है, पैरेलल नहीं, अपोजिट। मतलब अगर भी इस तरह से सेफ है मेरा, ठीक है, इसको लिख रहे हैं, इसका अपोजिट में इसका ऐसा हो जाएगा, मैरिज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मैरिज जिसको बोलते हैं, वो मैरिज का पोजिशन में रहेगा, ठीक है। तो होता है दोनों तरफ जो है भी सेप का बना हुआ रहता है, मूवेबल जॉब में भी और फिक्स जॉब में भी। और ये जो भी है ना, इसको ग्रिपिंग के लिए क्या किया होता है, भी सेप जो बना हुआ रहता है उसमें जो है क्या, दांते कटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। दांते इसलिए कटे हुए रहते हैं ताकि वो ग्रिपिंग अच्छे से बना सके। वहाँ भी अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो पाइप क्या है, अपना एक्सिस में कहीं रोटेट ना कर जाए, इसके लिए क्या है, वी शेप में दांत काटे हुए रहते हैं ताकि पैप को अच्छे से पकड़ ले, वो मूवमेंट जरा सा भी ना करे, ना तो अपना आवंश एक्सिस में, ना तो लॉन्गिट्यूडिनल में, कहीं भी वो क्या करे, मूव ना करे, फिक्स हो जाए अच्छे से। तो दांते कटे होते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जो है दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे।
कि कंस्ट्रक्शन जो है आपका कैसे होता है। अगर इसमें हम बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पाइप वाइज में जो जॉ बने हो तो उसमें जो है किस टाइप का जॉ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं भी आकार का होता है, ठीक है ना, और उसमें दांतें कटे होते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपका किया हुआ है, यहाँ पर मैंने बनाया है, एक फिगर बनाया है, ठीक है, फिगर यहाँ पर हैंड स्केच के थ्रू बनाया है आप लोग को इजी समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर हम ऊपर पोजीशन ये आप देख रहे हैं जस्ट लाइक इसी तरह से आपका जो है पाइप वाइज होता है, ठीक है। तो ये पाइप वाइज जो है आपका मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है एज इट इज आप लोग जो देखोगे उसी के जैसा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफर नहीं है। अब जो है क्या है, मॉडिफाई भी आया है, अलग अलग तरह का भी आया है, लेकिन पर्पस जो होगा है, जो मेन पर्पस जो होता है उसके हिसाब से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऊपर के, अगर ऊपर के पोजीशन से लेंगे तो सबसे पहला जो है हैंडल है मेरा, ठीक है। हैंडल किसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, स्पिंडल। तो ये मेरा जो हैंडल है ये जो है मेरा स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर में लगा हुआ है। जहाँ बात आ रहा है स्पिंडल का, तो स्पिंडल जहाँ भी अगर वर्ड आ रहा है, तो स्पिंडल को अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर मोशन क्या होगा, वहाँ पर मोशन मेरा रोटेशनल होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये जो है हैंडल मेरा स्पिंडल के ऊपर लग गया। स्पिंडल किसके साथ अटैच है, स्पिंडल जो है मेरा स्क्रू के साथ अटैच है, ठीक है, स्क्रू के साथ मेरा अटैच है, क्लियर है। अब हम आते हैं आगे का, ये जो फ्रेम, ये जो देख रहे हैं जो पार्ट जो है ऐसा बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं, ठीक है ना। जो पाइप वाइज है, पाइप वाइज का जो अपर साइड का जो बाहरी हिस्सा जो होता है वो हम लोग बोलते हैं उसको फ्रेम, ठीक है। फ्रेम के अंदर में क्या रहता है, स्लोट बना हुआ रहता है, स्लोट, जिसमें ये मूवेबल जॉ जो है, ठीक है, पहले इसको समझिए, ये जो फ्रेम बना हुआ रहता है, ठीक है ना। फ्रेम के बाद अब हम बात करते हैं जॉ का, यहाँ तक फ्रेम है ये आपका, ये तो आपका स्क्रू है, ये हैंडल है, क्लियर हो गया। अब ये फ्रेम है, अब यहाँ पर जो है आपका दो स्लॉट बना हुआ रहता है बी शेप का, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। एक जो है आपका फिक्स किया हुआ रहता है नीचे का पोजीशन में, जिसको बेस बोलते हैं हम लोग, ये जो है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये बेस के नीचे का पोजीशन में क्या रहता है बना हुआ, आपका बी शेप का बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग फिक्स जो के नाम से जानेंगे। उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर मूवेबल जॉ होगा, ठीक है ना। ये मूवेबल जॉ होगी, वी शेप का बना हुआ रहेगा, जिसमें दांता कटा हुआ रहेगा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है दांता कटा हुआ, ठीक है ना। अब ये क्या है ऊपर का, ये जो मूवेबल जॉ है इसको क्या, अगर हम यहाँ पर क्लॉक वाइज घुमाते हैं, ठीक है, क्लॉक वाइज एंड ऐसे से घुमा रहे, क्लॉक वाइज मतलब जैसे घड़ी की दिशा घूमती है उसी तरह अगर हम उसको घुमा रहे तो क्या हो रहा है, ये क्लॉक वाइज घुमा रहे तो ये क्या हो रहा है, नीचे के पोजीशन में जा रहा है। कौन सा जा रहा है नीचे के पोजीशन में, ये जो जॉ है मेरा, ये स्क्रू का जो इंड है वहाँ पर अटैच किया हुआ है, ये जो स्क्रू का इंड है ना, ये स्क्रू का इंड में देखिए आप अटैच किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अटैच किया हुआ है ये पूरा मूवेबल जॉ को, ठीक है। और ये जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर में क्या है, स्लॉट है, जिसके अंदर वो आसानी से घुस जा रहा है और आराम से वो मूव कर रहा है, इसके अंदर में जो है स्लॉट है, तो ये जॉ जो है इसके अंदर दोनों साइड में जो है आराम से जो है वो अपना आगे पीछे होगा। तो कैसे होता है, ठीक है, इसका दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो नीचे की ओर आएगा या तो ऊपर की ओर आएगा, ठीक है ना। रोटेशन मोशन लेकर के हम इसको लीनियर मोशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लीनियर मोशन का जहाँ बात करेंगे तो लीनियर क्या होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको बस यहाँ पर इसको अगर हम घुमा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। नीचे की ओर आते हुए क्या हो रहा है, ये स्लॉट जो है, बी स्लॉट जो है आपस में जाके टच हो जा रहा है, ठीक है। दोनों तरफ देखिए दाता काटा हुआ, ये जो पोजीशन इसका जो ये पोजीशन है ये यहाँ पर आके टच हो जा रहा है। अब भी जो है भी के हिसाब से यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो उसमें हम पाइप को आराम से डाल करके उसको हम लोग क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ला के यहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो वो क्या होगा, मेरा पाइप जो है फिक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें एंटी क्लॉक वाइज, इसको अगर हम उल्टा घुमा रहे, ठीक है, तो उल्टा घुमाएंगे तो ये क्या होगा, मेरा ऊपर की ओर जाएगा, क्या होगा, बैकवर्ड पोजीशन, आप ऊपर की ओर जाएगा, ये पोजीशन क्या होगा, मेरा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, जैसे इसको घुमाएंगे ये क्या होगा ऊपर, तो यहाँ ऊपर जाने पर क्या होगा, मेरा वो जो पाइप है वो डी क्लैंप हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यहाँ पैर मेरा क्या हो रहा है, ये दोनों जो भीस है तो वो क्या हो रहा है, डिसंगेज हो जा रहा है। तो हम लोग वहाँ से पैर को जो जॉब है उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमको फिर करना है तो हम क्या करेंगे, पैर को डालेंगे फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, मेरा वहाँ पर जाके क्लैंप हो जाएगा, ठीक है ना, पैर को मेरा आसानी से पकड़ लेगा, ठीक है। अब जो है दोस्तों आपका सवाल आता होगा कि सर इसमें तो एक सेप एक भी सेप का बना हुआ है तो एक ही टाइप का एक ही मतलब साइज का जॉब बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो लगा हुआ रहता है ये जो भी टाइप का जो जॉब है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। कोई कोई में चेंज करने के लिए भी ऑप्शन रहता है, कहीं कहीं क्या होता है कि वो डायरेक्ट उसी साइज का मिलता है, ठीक है। तो जैसा पाइप का मेरा रॉडनेस साइज रहेगा उसके हिसाब से हम इसको भी का जो पोजीशन है वो आराम से चेंज होगा, ठीक है, उसके हिसाब से जो है मार्केट में अवेलेबल भी है। अगर भी का साइज, अगर मेरा पाइप का साइज छोटा है तो हम छोटा साइज का बेंच वाइस यूज करेंगे, बड़ा है तो जैसा आपका वाइस जैसा मेरा जॉब होगा जॉब का साइज होगा उसके हिसाब से जो है आपका यहाँ पर जो है भी साइज का जो जॉब है वो आपका चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों इसको जब हम क्लैंप कर देते हैं तो यहाँ पर एक रिवेट के थ्रू जो है एक क्लैंप यहाँ पर जो है इंगेज कर दिया जाता है ताकि क्या है कि ये अपना जो है प्रॉपर वर्क करे, ठीक है, कहीं फिसल कभी भी हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह, तो उसके लिए जो है लीवर के साथ एंगेज कर दिया जाता है। इसको नीचे कर देते हैं तो क्या होता है ये एंगेज हो जाता है, तो कभी भी हम वर्क कर रहे हैं तो वो घसकता नहीं है पैर से। अगर मान लो इसको नहीं करते हैं तो ये कभी भी अगर मुंह घूमता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये जो हैंडल है, हैंडल अगर रोटेट कर दिया किसी तरह से तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर जो क्लैंप क्या हुआ डी क्लैंप हो जाएगा। उससे बचने के लिए यहाँ पर एक लगा हुआ रहता है लीवर, इससे क्या करते हैं इसको इंगेज कर देते हैं तो ये क्या होता है मेरा फिक्स हो जाता है, ठीक है, फिर हैंडल का जो है रोल वहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया हैंडल, हैंडल किसके लगा हुआ रहता है, स्पिंडल, और स्पिंडल में क्या लगा हुआ रहता है, स्क्रू लगा हुआ रहता है जो कि जो जिसका इंड जो है किसके साथ अटैच होता है, जिसका इंड जो है मूवेबल जॉ के साथ अटैच होता है। और मूवेबल जॉ कैसा होता है, वी शेप में होता है और उसका थ्रेड कटा हुआ रहता है, उसमें दाता का बना हुआ रहता है। और एक नीचे का जो बेस होता है उसमें क्या होता है, फिक्स जॉ होता है, उसमें भी वी शेप का बना रहता है, उसमें भी दाता कटा हुआ रहता है, ठीक है। और फिर एक लीवर होता है जो क्या करता है, जब क्लैंप हो जाता है तो उसको क्या करते हैं इंगेज कर देते हैं। इंगेज करने पर क्या होता है वो घसकता नहीं है अपना पोजिशन से, ठीक है। और इसको जो बाहर का जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर में स्लॉट बना हुआ रहता है, ठीक है ना, स्लॉट जैसे आप लोग देखे होंगे कोई दुकान में कैसे सेटर नीचे गिराता है तो अंदर में आपका स्लॉट बना होता है उसी पर ही काम करता है ना, उसी तरह से इसमें भी अंदर की तरफ दोनों के अंदर की तरफ जो है स्लॉट कटा रहता है, उसमें आसानी से नीचे ऊपर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका मोशन का तो इसमें क्या क्या कौन कौन सा मोशन है, इसमें है रोटेशनल मोशन जो हम स्पिंडल के सहारे देते हैं, हैंडल के सहारे देते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, मूवेबल जो है मेरा फॉरवर्ड मतलब नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है वो ऊपर के पोजीशन हो रहा है, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन जो है, देखिए अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन में है अगर लीनियर मोशन तो वो क्या होगा बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे से जाएगा। अगर मेरा इस पोजीशन में हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा तो लीनियर मोशन क्या हो जाएगा मेरा अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे का तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड के आ रहा था कैसे आ रहा क्लॉकवाइज घूम रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अपवर्ड जाएगा तो वहाँ पर मेरा जॉब मेरा डिक्लेम हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा तो मेरा क्या होगा दाता के थ्रू जॉब को मेरा पकड़ के वो क्लैम कर देगा, ठीक है। क्लैम करने के बाद फिर क्या करेंगे उसको हम यहाँ पर लीवर को इंगेज कर देंगे। आई होप कि आज का ये जो आपका आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अपना 100% यहाँ दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये बात है कि इसका मटेरियल का अगर हम डिस्कस करें तो मटेरियल में एज वेल एज जैसे जो वॉइस का होता है, इसका जो आपका अगर हम बात करें जॉ का तो जॉ जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन का बना होता है। दोनों जॉ जो है मूवेबल जॉ है और या फिक्स जॉ है, दोनों जॉ का अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसका बना हुआ रहता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हैंडल का, ठीक है, और स्पिंडल का, तो हैंडल और स्पिंडल का अगर हम बात करेंगे तो वो किसका बना हुआ रहेगा, वो मैन स्टील का बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है तो इसके हिसाब से भी आप लोग याद करोगे, ठीक है। और चाहो तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। वॉइस का जैसे स्टार्टिंग से चल रहा है आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर इसका जो पीछे का प्रीवियस वीडियो है वो भी देखिए। आज का मेरे ख्याल से ये चौथा वीडियो है आपका, ठीक है।
चौथा वीडियो है वॉइस के ऊपर में। और मैं आपको अगर ये वॉइस आप वॉइस का जो ये टॉपिक है अगर आप स्टार्टिंग से अगर अच्छे से देख रहे होगे तो मैं 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है वॉइस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आज जो है कौन सा कंप्लीट हो गया, आज फाइव वॉइस का कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और अच्छे से समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या है आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्तों ये फाइव वॉइस खत्म हो गया, तो मेरा वॉइस के ऊपर में कितना टॉपिक खत्म हो गया, एक वॉइस तो मैंने शुरू का इंट्रोडक्शन दिया था, फिर बेंच वॉइस खत्म हुआ, फिर मशीन वॉइस खत्म हुआ और आज जो है आपका फाइव वॉइस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम बताएंगे कि लेग वॉइस क्या होता है, ये लेग वाइज और पिन वाइज, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ओनली डिस्कशन होगा उसके ऊपर में, और क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको अगर हम डिस्कस कर लेंगे उसका अगर खाली सिर्फ नॉलेज ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो हमें एक चीज़ आपको वो बताया था कि स्पेशल वाइज आज का जो इंडस्ट्री जो है वो हाईटेक की ओर जा रहा है, वहाँ पर तरह तरह का इक्विपमेंट यूज होता है, तो वहाँ पर जो है ना वॉइस जो ऑपरेट किया जाता है वो मैन्युअली नहीं किया जाता, जैसे हम लोग यहाँ पर हैंडल क्या कर रहे हैं मैन्युअली कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाईटेक इंडस्ट्री वगैरह जब जहाँ जाएंगे जहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्री अच्छा है तो वहाँ पर जो है दोस्तों ये जो ऑपरेट इसको ऑपरेट जो है मैनुअली नहीं किया जाता, वहाँ पर हाइड्रोलिक न्यूमेटिक इस सब का प्रेशर को वहाँ पर यूज करके जो है इंगेज और डिसंगेज किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पर स्पेशल वाइज में डिस्कस करेंगे, ये भी आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम में आएगा उसका यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक नॉलेज आपको दिया हूँ, आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझे, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और जितने भी टॉपिक यहाँ पर बताया जा रहा है उसको लिखिए, नहीं लिखिएगा तो आपको इन फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। देखिए आप ही पढ़ना है या बाद में पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। आपका अभी से अगर तैयारी अच्छा से रहेगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जहाँ पर हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मल्टीक्राफ्ट आईडिया जो है लगातार आपके लिए जो है नए नए वीडियो बना रहे हैं, ढेर सारे फैकल्टी जो है अपने अपने स्ट्रीम के ऊपर में आपको लेक्चर दे रहे हैं, प्लीज़ उस सारी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपका नॉलेज जो है थोड़ा बढ़े। ठीक है, इस दौर में आपको नॉलेज का बहुत ज़रूरत है, बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास अगर डिग्री है भी तो नॉलेज नहीं है तो आपका जो है प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आप लोग को नॉलेज गेन करना मेन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी का जो दौर है उसमें आप लोग नॉलेज अगर अच्छे से गेन कर लेंगे तो आप लोग कहीं भी आराम से सेटल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लगातार जो है यहाँ आपका सेवा दिया जा रहा है, लगातार आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो सबका अपना अपना एक महत्व है, अगर इलेक्ट्रिशियन का बात करें तो इलेक्ट्रिशियन का भी अलग अलग महत्व है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करें तो उसका भी अलग महत्व है, आज अगर हम बात करें फिटर का ट्रेड थ्योरी तो उसका भी अलग महत्व है, तो सारे महत्व सारे सब्जेक्ट का अपना एक अलग अलग वैल्यू है, सब वैल्यू को समझिए। आप अगर सोचिए कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कर लें ट्रेड थ्योरी छोड़ दें तो ये गलत, आप ट्रेड थ्योरी छोड़िएगा सोचिएगा कि पढ़ लें इंजीनियरिंग ड्राइंग छोड़ दें तो ये भी गलत है, आपको सबको साथ में लेके चलना है। आप अगर दिन भर में एक घंटा भी अगर टाइम दे रहे हैं, मोबाइल आप लोग के पास होता ही है, आप देखिए वीडियो को और लिखिए क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जितना कम से कम पढ़ाया जा रहा है उतना तो कम से कम आप अपने नोटबुक में लिखिए, राइट डाउन कीजिए ताकि आपका जो है नॉलेज थोड़ा इनबिल्ड हो, थोड़ा बढ़े। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरा जो ये बातें हैं आपके सर में घुसे, आपको समझ में आए कुछ, नेक्स्ट वीडियो जो है नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।